एकदम 1000 फुट से भी ज्यादा ऊपर बादलों के बीच में ब्लॉग शूट करते हुए देख सकते हो आप। बज रहे सुबह के 5:30 और हम लोग पहुंच चुके हैं स्कंदगिरी में और हम लोग ट्रैकिंग कर दिए स्टार्ट। मचाएंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे, लेट्स डू इट। और ट्रैकिंग हमारी हो गई स्टार्ट और हम लोग जाने वाले हैं, ये करीब 2 घंटे लगते हैं ऊपर चढ़ने में और फिर हम चढ़ाई करेंगे। इसका पूरा रास्ता देख सकते हैं। ये नज़ारा आप देख सकते हैं, काफी शानदार। सो अभी हम लोग आ चुके हैं, अभी इतनी ज्यादा चढ़ाई की है यार, फट रही है बहुत ज्यादा फट रही है मेरी तो यार, शिट। अभी पूरा चढ़ नहीं पाए, अभी इतना चढ़ना बाकी है, हालत ख़राब हो चुकी है। इस तरह के सारे रोड आपको मिलेंगे और फिर ये मैंने कहाँ से ट्रैवल करी, यहाँ से आया है, यहाँ रात में नींद भी नहीं आई है ऊपर से, मुझे नींद ना आए। नहीं ज़्यादा ऊंचाइयों पे खड़े अभी ज़्यादा क्या बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे पूरा बादल पास हो रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ कितनी ऊँचाई पर हम लोग खड़े हैं। तो अभी तक ऊपर चढ़ाई करके आए, आई डोंट नो कितना फिट है ये, लेकिन जितना भी है बहुत ही ख़तरनाक है। यहाँ पर देखिए आप सन मतलब निकल चुका है, आप देख सकते हैं सनलाइट और पूरा बादल समाया हुआ वहाँ पे, और मैं यहाँ पे खड़ा यहाँ पे चढ़ाई करने में और ब्लॉग शूट करने में। तो यार बहुत ही अच्छा वेदर है, देख सकते हैं पीछे पूरा खाई है, यहाँ से आप पूरा खाई देख सकते हैं, अगर थोड़ा सा आपका पैर फिसला यहाँ देख सकते हैं पूरा खेत आपको दिखेगा। बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड है और धूप आ गई लेकिन फिर भी ठंड का एहसास बहुत ज़्यादा है, मज़ा आएगा। ऐसा लग रहा है कि मौसम पूरा कुहासा हो चुका है, वैसा है नहीं, ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। हम 1000 फुट से भी ज्यादा ऊपर बादलों के बीच में ब्लॉग शूट करते हुए देख सकते हो आप, काफी अच्छा एक्सपीरियंस, काफी अच्छा नजारा। और अब तो नीचे कुछ दिख भी नहीं रहा, आप देख सकते हो बस आपको बादलों की फुहारें मिलेगी, कहीं हम लोग उड़ के चले जाए। वाह मोदी जी वाह वाह, खत्म।